हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रही थी एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के साथ डेट पे। सैटरडे होने के कारण बहुत ही ज़्यादा रश था एंड गाइस हम पहुंच गए थे सिटी सेंटर मॉल। यस, सो दिस इज़ इन पठानकोट एंड देन हम गए डोमिनोज़ में, बिकॉज डोमिनोज़ में ही हमें डाइन इन करना था। डोमिनोज़ में जाके देखा तो ज़्यादा लोग तो नहीं थे, बट स्टिल वी हैव टू वेट फॉर आर ऑर्डर। एंड यस, my mother, yes, the special person was my mother. So this was the first Domino's pizza experience of my mother. So yes, we ordered cheese and corn pizzas. So ye maine open kiya apna wala and phir mama ne open kiya and then we started. तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनको, उनका ये फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था। ठीक है, वैसे वो यूजुअली पसंद नहीं करते हैं बाहर का खाना, बट स्टिल मैंने उनको कहा कि चलो आज आपको एक स्पेशल चीज़ खिलाती हूँ, तो देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उनको कैसा लगता है, क्या फीडबैक रहता है। तो गाइस यहाँ मैंने हमला कर दिया था क्योंकि मैं खा रही थी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा महीनों के बाद। हेल्थ ठीक ना होने के कारण मैंने बाहर का फूड एकदम से बंद कर रखा था और आज लगभग मुझे लग रहा है कि मैंने 6-7 महीने के बाद पिज़्ज़ा खाया था। एंड गाइस आई लव डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, कहीं से भी खाती हूँ ना मुझे ये वाला टेस्ट तो कहीं आता ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट वाकई में यार कुछ तो बात है इनके टेस्ट में। फिर उसके बाद हम खा रहे थे और बातें कर रहे थे, ऐसे ही खाते आराम से हमने बहुत इन्जॉय किया गाइस। और फिर बाद में मैंने मम्मा को कहा कि देखो आपको कैसा लग रहा है, आप कुछ तो शेयर करो, है ना। बट उनको लग रहा था कि चलो ठीक है एक बार कंप्लीट करते हैं, बट क्या मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आप देख ही सकते हो मैं कितने अच्छे से कितना इन्जॉय कर रही हूँ। ठीक है, और भी लोग आने लगे थे बट बहुत मज़े से हम लोगों ने आराम से खाया, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो था मैंने तो फिनिश कर लिया था, देखो है ना, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। और फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया, ज़्यादा कोई अच्छा इंटीरियर नहीं बन रखा है, बट ठीक है, ठीक ठाक सा है क्योंकि पठानकोट जो है वो बहुत ही छोटी सिटी है और ठीक ठाक सा था। तो फिर मम्मा ने भी अपना पिज़्ज़ा कम्प्लीट किया और मैंने उनको पूछा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, तो वो हंस रहे थे एंड शी सेड कि हाँ अच्छा था, तो शी रियली लाइक इट। और फिर हम निकले मॉल से बाहर, तो ये हम बाहर की तरफ एग्जिट कर रहे हैं एंड यस दिस वाज द डे, सो आई रियली इन्जॉयड इट। एंड ऐसे करके हुए फिर हम बाहर, और जब बाहर देखा तो एकदम गर्मी हो रही थी, अंदर तो एसी चल रहा था, पता नहीं लग रहा था गर्मी का, बट बाहर बहुत गर्मी हो रही थी। फिर हमने ऑटो ली और फिर ऑटो से हम निकल गए घर के लिए। तो गाइज फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको अपनी लोकल मार्केट का भी एक रिव्यू करवा दूं। तो यहाँ हम श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार से स्टार्ट होते हुए फिर हम निकल गए आगे की तरफ जहाँ पे आता था भारत वेडिंग प्लाजा। और गाइज इसी रूट पे आगे चल के एक शॉप आती है रेंटेड लहंगास की, जहाँ से मैं नेक्स्ट मंथ जो शादी है वहाँ से लहंगा रेंट करने वाली हूँ, इनफैक्ट कर लिया है। तो आगे चल के वो शॉप आएगी, मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो शॉप। तो गाइज बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैंने उसको रेंट किया है क्योंकि नवरात्रि आने वाले थे, शादियाँ भी आने वाली थी, तो मार्केट बहुत ज़्यादा सजी हुई थी, मतलब इतना भी नहीं सजी है, बट हाँ जब नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे तब तो बिल्कुल देखने लायक होता है। छोटी सी मार्केट है बट गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और सैटरडे होने के कारण थोड़ा रश भी आज था यहाँ पे, यूजुअली इतना ही रश रहता है, बट संडे वाले दिन क्योंकि सेल होती है तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। गांधी चौक वाले एरिया पे तो आप मतलब ऐसा लगता है कि कोई आपको धक्के से चला रहा है, आप खुद नहीं चल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप देखोगे बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी, है ना। यहाँ पे नवरात्रि का सारा सामान जो था वो आ चुका था, लास्ट ईयर हमने भी नवरात्रि की यहीं से शॉपिंग की थी, ये जो शॉप आई है बट यहीं से नवरात्रि का सामान लेकर के 2 दिन ही मैंने पूजा कर पाई और तीसरे दिन आई वाज सीरियस यू नो सिक, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट हाँ जब भी नवरात्रि आते हैं गाइज मुझे गूज़बम्स आते हैं क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा नवरात्रि में इंसिडेंट्स हुआ लास्ट ईयर कि आई कांट एक्सप्लेन, बट होपफुली अब इस बार सब कुछ ठीक रहे। ठीक है, वी आर होपिंग। एंड ये शॉप नहीं है अगर आप देख रहे हो तो, ये वाली जो शॉप है ना, हाँ यहीं से मैंने एक लहंगा रेंट किया है। अभी मेरे कज़न की वेडिंग है अक्टूबर में नवरात्रि में, तो आई जस्ट रेंटेड इट। एंड गाइस जब नेक्स्ट अभी मैं व्लॉग शूट किया करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसा है, कितने का पड़ा एंड ऑल। तो ये था एक
लोकल मार्केट का व्यू जो कि आप देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ऑटो में ऐसे धीरे धीरे चलते हुए जब आप देखते हो तो आपको और भी अच्छा लगता है। तो चलिए एंड करते हैं आज के डे को। ये था आज का कंप्लीट डे। और कमेंट कर लेना गाइस, जो भी आपको अच्छा लगे बताना मुझे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी। टेक केयर।